तो ये समझने वाली बात है, ये और डिटेल्ड है। परंतु गीता के अंदर भगवान शॉर्ट में कह दिया, क्या कह दिया कि भगवान कहते हैं यम यम वापिस, सॉरी नहीं, क्या है सेवन चैप्टर का, कामस्तैस्तैर हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, कामस्तैस्तैर हित ज्ञाना, जिसका ज्ञान हर लिया गया होता है, हित हर ज्ञान, काम किससे, काम भोगने की इच्छा से, कामस्तैस्तैर बड़ी जबरदस्त भोग करने की इच्छा से हित ज्ञान, उसका ज्ञान हर लिया गया, फिर क्या करता है वो, प्रपद्यन्ते शरण में आता है अन्य देवता, अन्य देवताओं की शरण में जाता है। क्यों, उसको क्या कर, उसको कम बुद्धि का कहा है, अंतवत्तु फलम तेसाम तद बहुत ही अल्पमेधासाम, क्योंकि उनका जो, उनको जो फल प्राप्त होता है देवताओं के द्वारा वो भौतिक जगत का फल है, और भौतिक जगत की हर चीज अस्थाई है, क्या है, अस्थाई है, और अस्थाई चीज आपको खुशी कैसे दे सकती है, वो तो टेंशन देगी, आने से पहले टेंशन, आने के बाद टेंशन, बच्चा नहीं हुआ नहीं हुआ टेंशन, बच्चा हो गया फिर टेंशन, और क्या प्रॉब्लम बताइए। तो बेसिक फैक्ट यह है, तभी तो भगवान इस गलती, अंतवत्तु फलम, अंत होता है इस फल का, ऐसे लोग अलग जाते हैं अन्य देवताओं के पास, क्योंकि देवता भी जीव तत्व है, ध्यान रखना, हमारा आप देवता बन, जो कृष्ण भक्ति में आ गया वो देवता बन चुका है। वैसे कई बार लोग आते हैं, मैंने हमने हम शनिदेव वैसे सब रह चुके हैं, पोस्ट है ये शनिदेव पोस्ट है, क्या है, मैंने हमने खूब तेल पिया है, चिंता ना करो, हम सीनियर शनिदेव हों जूनियर शनिदेव अभी जो है ना प्रभु जी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से कर रखिए, अभी जो कर रहे हैं वो आपके जूनियर हुए कि नहीं हुए, सीए जरूर हैं पर जूनियर सीए हैं, इसी तरीके से अभी शनिदेव जो जो है वो हमारे जूनियर है, क्या है, जूनियर है, हम सीनियर, हम रह चुके हैं शनिदेव, शास्त्र बताते हैं जब बहु नाम जन्म नाम अंत ज्ञानवान माम प्रबोधित, बहुत जन्मों के बाद पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने के बाद जब व्यक्ति अकल आती है उसको ज्ञानवान होता है तब वो कृष्ण भगवान की शरण में आता है। एक कोर्स बनाया है, छोटा कोर्स है, संक्षिप्त में भगवदगीता को समझाया है, जिससे कि आप अपने जीवन में इस कलयुग के अंदर पूरा लाभ उठा सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दिया गया है, फ्री में उसको डाउनलोड करें।